हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर सेकंड का एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक, जिसमें कि आज बेसिकली हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। मैंने आपको कल भी डिस्कस कर दिया था कि जो एसिड और बेस होते हैं, एसिड एंड बेस, इनके बारे में कि एसिड बेस की जनरल डेफिनेशन अगर किसी से पूछिए तो, कल मैंने आपसे पूछा भी तो भाई, वो कई बच्चों ने बताया कि सर एसिड और बेस जो होते हैं सोर इंटेस्ट होते हैं, बेसिस जो होते हैं बिटर इंटेस्ट होते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी, नॉट द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। देन राइट ऑन द मेथड्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन डिफाइन द एन एसिड एंड हाउ वी कैन डिफाइन द एसिड एंड बेस। तो आइए वो कैटेगरिया और वो कैटेगरी देखते हैं। तो इसकी कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड और बेस के बारे में, आइए देखते हैं। एसिड और बेस के बारे में अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को हम एक्वस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहता है इफ ए सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर मींस एक्वस सॉल्यूशन ना, डिजॉल्विंग इन वाटर, देन इफ इट विल गिव्स एच प्लस आयन आर ओ एच माइनस आयन, देन वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस इन एसिड आर बेस। इफ द सब्सटेंस गिव्स एच प्लस आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, then it is an acid. If the substance gives OH minus ion, then the substance is a base. मतलब अगर कोई solution, कोई substance या कोई matter liquid में dissolve करने पर, liquid मतलब water में dissolve करने पर H plus ion देता है, इसको बोलते हैं hydrogen ion. Hydrogen ion देता है तो उसे क्या बोलते हैं? Acid कहते हैं। और कोई substance लिक्विड मतलब वाटर में डिजॉल्व करने पर OH माइनस आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू एक्वस सॉल्यूशन। आप जानते हैं कहीं AQ लिखा रहता है, AQ। तो एसिड और बेस की अगर डेफिनेशन क्लियरिफाई की जाए तो एसिड की डेफिनेशन की अकॉर्डिंग सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। कहीं कहीं H प्लस लिखा होगा या फिर इसी को बोलते हैं H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज एन एसिड। क्लियर? तो एसिड अगर होगा तो वाटर में डिजॉल्व करने पर वो क्या देगा? एच प्लस आयन। तो इसी को थोड़ा उल्टा करके देखिए, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होकर के एच प्लस आयन नहीं दे रहा तो वो क्या होगा? एसिड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करने पर एच प्लस आयन दे रहा है तो वो क्या है? एसिड। दूसरा इधर क्या होगा? सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयन, कहता है OH माइनस आयन, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन्स। अगर कोई सब्सटेंस OH माइनस आयन देता है कब? व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस भी समझते हैं ना, वाटर सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज बेस। तो एसिड और बेस की जो डिफिनीशन है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ये टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, टोटली लिमिटेड है इन एक्वस मीडियम में। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड ओनली अप टू एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई एच प्लस OH माइनस आयन नहीं दे रहा है तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो एसिड बेस नहीं होगा। कंपटीशन में, वाइबा में जनरल कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोई, एक सब्सटेंस ए है और वाटर में डिजॉल्व करने पर वो एच प्लस आयन नहीं दे रहा है तो क्या वो एसिड है? तो क्या करेंगे? तो नहीं है।
लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया, एक सब्सटेंस ए ए एक एसिड है जो कि वाटर में डिजॉल्व करने पर एच प्लस आयन नहीं दे रहा है, तो क्या वो एसिड है? तो कहेंगे सर अभी ग्रुप बना रहे हैं, आप कह रहे एक तरफ कह रहे हैं एसिड है फिर एच प्लस आयन नहीं दे रहा है, तो भैया एच प्लस आयन नहीं दे रहा है तो वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं हो सकता, मतलब अरहेनियस कॉन्सेप्ट इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू एक्वस कॉन्सेप्ट। अगर एक्वा सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस एच प्लस आयन या एच माइनस आयन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या नहीं है, वो एसिड और बेस नहीं है, यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कोई पूछे व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एक्वस अरहेनियस कॉन्सेप्ट, तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है कि इट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन दो सब्सटेंस विच हैव अ टेंडेंसी which have not tendency to give एच प्लस आयन और एच माइनस आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन। जो एक्वस आयन में एक्वस सोल्यूशन में एच प्लस आयन और एच माइनस आयन नहीं दे सकते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस नहीं। क्लियर? तो एसिड बेस की रिपीजन क्लियर हो गई होगी, इसका लिमिटेशन क्या है ये क्लियर हो गया। आई एग्जाम्पल दे, जैसे एस सी एल, एस सी एल को वाटर में डिजॉल्व होती है, क्या हो गया उनसे, ये क्या हो जाएगा H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और वो H प्लस जा करके H2O से जुड़ जाएगा, ये बनेगा H3O प्लस, क्या बनेगा H3O प्लस, और क्या बनेगा Cl माइनस। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ कि ये HCl, इसमें HCl में से ये H प्लस जो है यहाँ से निकल गया और ये H3O प्लस बनाया, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। ऐसे ही जरा देखिए H2SO4 है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दीजिए वाटर में, ये क्या बनाएगा H प्लस और HSO4 माइनस। तो देखिए इसने क्या निकाला है, H प्लस निकाला एक्वा सोल्यूशन में, तो क्या कहलाएगा एसिड। एनिवेज देखिए इसको एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व कर दिए H2O में, ये क्या देगा Na प्लस और OH माइनस, क्या है बेस है कि नहीं बेस है, KOH है, K प्लस OH माइनस। इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्वस सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरे ख्याल से, अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर है एसिड का, कोई प्रॉब्लम? तो कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या है एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, अगर एक्वस आयन और OH माइनस दे रहा है तो क्या है वो एसिड है। तो एक्वस सॉल्यूशन अरहेनियस कॉन्सेप्ट का वैल्यू याद रखिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, आई होप क्या आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको बोलते हैं लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में अगर हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि according to this concept the substance which gives H plus ion that is proton, H plus ion produces proton bhi kehte hain, kya kehte hain, H plus ion is also known as proton। ab aapke dimag mein question aa raha hoga ki sir kaise hai ki nahi proton kyon kehte hain, to zara dekh liya jaiye। hydrogen ki baat agar kare to hydrogen mein ye hai nucleus, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसमें से एच प्लस कब बनेगा, ये हाइड्रोजन है 1H1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या, अब यहाँ पे क्या बचा रह गया, एक प्रोटॉन ही तो बचा रह गया, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा। तो मतलब H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रोटॉन हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा सिर्फ क्या, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कहते हैं। तो H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। तो कोई भी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, अगर अगर प्रोटॉन रिलीज करता है, मतलब प्रोटॉन डोनर के तरीके से काम करता है, प्रोटॉन डोनर के तरीके से काम, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये सब डियर स्टूडेंट बहुत ही बम्पर बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे फोकस करिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज बेसिस, प्रोटॉन डोनर्स आर नोन एज एसिड। तो अगर कोई पूछे कि बेस का दूसरा नाम बताइए तो आप क्या बोलेंगे, सर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो पूछे एसिड का दूसरा नाम बताइए तो प्रोटॉन डोनर। जैसे HCl, आइए देखते हैं HCl, HCl क्या करेगा भाई, जरा बताओ तो, H+ और Cl माइनस, टूटेगा नहीं टूटेगा, ट्रांजिशन तो नहीं रिश्ता है, H2SO4, H+ HSO4 माइनस, HSO4 माइनस H+ SO4 माइनस 2, भाई एक H+ निकला तो एक माइनस, दो दो H+ निकल गए तो दो माइनस हो गए, HNO3 ये सब सब्सटेंस अपने में से H+ मतलब प्रोटॉन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मैं एक्वस मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर एक्वस मीडियम की बात किए तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अरिनियस कॉन्सेप्ट। बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन कितना डोनेट करता है, तो यहाँ पे ये एक H+ दे रहा है, यहाँ पे ये H2SO4 में कितने H+ दे सकता है, दो, है ना, यहाँ पे कितना दे रहा है, एक। तो कितने अमाउंट ऑफ वो एसिड एच प्लस दे रहा है ये डिसाइड करता है कि वो एच प्लस क्या है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये केवल एक एच प्लस दे सकता है, ये कितने दे सकता है, दो दे सकता है, ये कितने दे सकता है, एक दे सकता है। लेकिन जरा ये बताइए, आप क्या एसिड इन्हीं सब के बारे में पढ़े हैं, बोलिए क्या आपने एसिड इन्हीं सब के बारे में पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो बताएं। इसके अलावा क्या कोई सब्सटेंस एसिड नहीं होते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं, कोई सब्सटेंस क्या फॉरेन टेस्ट नहीं होता है, बोलिए। बहुत सारे सब्सटेंसेस फॉरेन टेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं अगर उनको आप आयनाइज करने जाएंगे तो वो जनरली एच प्लस आयन में आयनाइज नहीं होते। टार्टरिक एसिड की बात कर लें या और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, है ना, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, वो आयनाइज नहीं होता, तो क्या वो एसिड नहीं है, वाटर सॉल्युबल तो होता ही है लेकिन एच प्लस आयन नहीं देता, उसका मतलब क्या वो एसिड नहीं है। एसिड होने की क्राइटेरिया में ये बात ध्यान देनी है उनको कि वो फिर वहाँ जाके फेल हो रहा है तो फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तभी वो क्या है, प्रोटॉन निकाल रहा है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर कहते हैं। यहाँ देखिए NaOH है, NaOH ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा जरा बताए, Na+ तो रहेगा, रहेगा प्लस OH और H+ क्या बनाया, HCO बनाया, मतलब कि OH ने H+ को एक्सेप्ट किया, मतलब कि OH- क्या है, एक लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये देखिए H2O बनाया कि नहीं बनाया, अरे H3 को देखा जाए, अमोनिया, देखिए अमोनिया के पास ये लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट किया, NH4 प्लस बनाया। तो यहाँ देखिए, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके तब बना रहा है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो क्या कहलाएगा, बेस। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब सोचते हैं ऐसे लोन पेयर दिखाई देगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, और जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, है ना, जैसे सी एल माइनस है, छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, सी एल माइनस है, ये एच प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जरा बताइए, एच सी एल बनाएगा नहीं बनाएगा, तो यहाँ सी एल माइनस क्या कहलाएगा,
Cl- is known as proton acceptor, and that's why it is also known as Lowry and Brosted base. Cl- is known as Brosted base. तो इस बात को ध्यान देना है कि एसिड का वो पार्ट जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, एसिड का वो पार्ट जो कि निगेटिवली चार्ज होता है एक्स एज ए लाउरी एंड ब्रॉस्टेड बेस. जैसे HCl था तो ये वाला पार्ट बेसिक पार्ट कहलाएगा, ठीक है. H2SO4 है तो उसमें ये सल्फेट वाला पार्ट बेसिक पार्ट कहलाएगा. NO3 में NO3 माइनस वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, लाउरी एंड ब्रॉस्टेड बेस. क्यों, अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके देखें तो NO3 माइनस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है और HNO3 बना रहा है, मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है NO3 माइनस, तब HNO3 बन रहा है. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटॉन डोनेशन एक्सेप्टेंडेंसी. If a substance have a tendency to donate a proton, then it is known as proton donor and known as Lowry and Brosted base acid. And if the substance have a tendency to accept a proton, then it is known as Brosted base or Lowry, generally Brosted base kind of. तो ब्रॉन्स्टेड बेस, जैसे मैंने आपके सामने टर्म यूज किया, मैंने बोला कि यह एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसे बोला आप क्या बोलेंगे, सर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है. मैंने बोला कि ब्रॉन्स्टेड बेस है तो आप क्या बोलेंगे, सर वो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो एसिड है तो प्रोटॉन डोनर है, ठीक है. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो किसी भी एसिड का वो पार्ट जो प्रोटॉन निकाल, एसिड है ये प्रोटॉन निकाला, तो इसका जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए. बेस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर. अभी देखिए ये एसिड था, ये अपने में से H+ निकाल रहा था और क्या बना रहा था, बेस बना, ये तो था. और देखिए HCl, HCl में से H+ निकला और ये क्या बना, Cl-. मुझे ना बताइए HCl और Cl- में कितने का अंतर है, जल्दी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HCl एंड Cl-, HCl और Cl- में कितने का डिफरेंस है. अगर आप देखें तो HCl और Cl- में H+ का डिफरेंस है. तो द पेयर ऑफ एन एसिड एंड बेस which differs only with H plus ion, that is proton, then it is known as conjugate acid base pair. इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं conjugate acid and base pair. conjugate acid base pair को कैसे identify करेंगे, कि उन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, H+ आयन का. तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहां से आया, कांसेप्ट लाउरी एंड ब्रॉस्टेड कांसेप्ट से आया, ठीक है. तो जैसे HNO3 है तो HNO3 का कंजुगेट बेस क्या होगा, जल्दी बताइए, H+ प्लस NO3-, ये देखिए NO3-, NO3- HNO3 का क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस. ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड, ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड, ये जाएगा कंजुगेट बेस. मतलब अगर किसी सब्सटेंस का हमको कंजुगेट एसिड या बेस निकालना है तो हमको ये फार्मूला दिमाग में बैठा रखना होगा. जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया कि भैया अमोनिया है, जरा इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों बताइए, ठीक है. तो अमोनिया क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि अमोनिया इज ए बेस, अमोनिया क्या होता है, बेस. अब बेस से हमको पता करना है, एसिड भी पता करना है और बेस भी पता करना है. तो अगर आपसे पूछा है कि इसका कंजुगेट एसिड बनाइए, कंजुगेट एसिड बनाइए, तो क्या करेंगे, जल्दी बताइए. अमोनिया की जब भी एसिड बनाने के लिए बोलेगा तो बेस में क्या जोड़ देते हैं, H+ जोड़ देते हैं, याद रखिएगा. अगर आपको कंजुगेट बेस दे रखा है और कंजुगेट एसिड पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे H+ ऐड कर देंगे, क्या मिल गया, NH4+, क्या मिल गया, NH4+, ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड. तो जब भी आपसे कंजुगेट बेस देकर के कंजुगेट एसिड पूछेगा तो आप H+ जोड़ देंगे, इसी फार्मूले को फॉलो करना है. हमको कंजुगेट बेस मतलब अमोनिया दे रखा है, हमने क्या कर दिया, उसमें H+ जोड़ दिया, NH4+ बन गया. लेकिन उल्टा क्वेश्चन,
आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि नहीं भैया हमको क्या चाहिए, हमको इसका ये बेस है तो इसका कंजुगेट बेस चाहिए, वो तो कैसे मिलेगा जरा बताइए। मतलब अब ये बेस की तरह नहीं बिहेव कर रहा, अब यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है, एसी की तरीके से। तो यानी जब भी आपसे एसिड पूछेगा तो आप एच प्लस निकाल देंगे क्योंकि प्रोटॉन डोनर होता है, इसे एच प्लस निकालिए अमोनिया में से, तो बचा क्या NH2 माइनस और एच प्लस, बचा क्यों नहीं बचा, देखिए ये एसिड हो गया, एसिड हो गया तो एच प्लस इसमें से निकल गया, जब एच प्लस निकलेगा तो NH2 माइनस हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंजुगेट बेस। तो इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसको ध्यान में नोट कर लीजिए और आप इससे इसकी हेल्प से आप कंजुगेट एसी बेस पेयर निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भैया ये कार्बोनेट है, जरा इसका जरा सा कंजुगेट एसी बताइए, तो कुछ नहीं करना यार, एक एच प्लस जोड़ो, क्या निकला HCO3 माइनस, निकला कि नहीं निकला, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर ही तो होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर आपको एसिड दिया और बेस पूछ रहा है तो एसी में से एच प्लस निकाल दीजिएगा, अपने आप बेस मिल जाएगा, लेकिन अगर बेस दिया है और एसिड पूछ रहा है तो बेस में क्या कर देंगे, एच प्लस ऐड कर देंगे और क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है, आप इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लीजिए, मैं फिर आपको इस पे टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका जल्द ही 11th 12th की टॉपिक भी तैयार हो रहा है, यहाँ तो तैयारी हो ही रही है साथ ही साथ वहाँ भी तैयारी हो रही है। ब्रोस्टेड एसिड किसे कहते हैं, ब्रोस्टेड बेस किसे कहते हैं, तो प्रॉप नोट्स को वीडियो को प्रॉपर वे में देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा। आपकी तो सबसे बड़ी कमी इसी बात की है कि आप वीडियो लेक्चर पूरा नहीं देखते हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। और फिर क्या होगा, टीचर की एनर्जी धीरे डाउन होगी, फिर वो आपको उतना अच्छा वीडियो लेक्चर बना के नहीं देगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छे पूरा देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे इसका रिलीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा कि क्या प्रॉब्लम है।